अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस फिलहाल मैं हो चुका हूँ तैयार, क्योंकि आज हम जा रहे हैं पापा और मैं लाहौर, ठीक है। और लाहौर जाके मैं इतना घूम नहीं पाऊंगा इस बार, क्योंकि जिस कजिन के साथ मैं घूमता हूँ वो तो आया हुआ है जेहलम। लेकिन मैंने अभी लाहौर, पापा कहते थे कि चलो मेरे साथ चलते हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है, पापा चले जाती हैं। फिलहाल अभी ट्रेन पे जाना, ठीक है, निकलने लगे थोड़ी देर में और आपको मैं रास्ते में दिखाता हूँ। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं स्टेशन, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं सामने मेरे पापा जा रहे हैं और मैं भी फुल बैग शेक पहन लिया है और लाहौर जाने के लिए तैयार हूँ। अभी यहाँ से टिकट लेनी है हमने, बस जाते हुए हमें सीट मिल जाए, ठीक है। और मैं तो बहुत ही सो के जाऊंगा, ऊपर वो बर्थ वाली सीट मिल जाए ना, मैं सोता हुआ जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे नींद आई हुई है। बाकी गिरा ट्रेन आती है ना, से टिकट वगैरह ले लें, आपको दिखाता हूँ मैं। फिलहाल अभी हम ट्रेन में बैठ चुके हैं, ठीक है। चेक करो, मुझे इधर सामने जगह भी फाइनली मिल गई थी, पाकिस्तान में ट्रेन जगह मिलना एक बहुत बड़ा काम होता है, जिसको मिल जाए बस लाख का डिपेंड होता है ना, पाकिस्तानी ट्रेन है ना। फिलहाल अभी निकल चुके हैं लाहौर, चेक कर लो। बाकी इंशाल्लाह पकौड़े लेने के लिए आपको तक। तो यार यहाँ पर हम जेहलम से निकले थे, चेक करो जेहलम का दरिया, जो कि पहले फुल सूखा हुआ था, लेकिन अभी देखो इसमें पानी आया हुआ है, ठीक है। और मुझे लक से सीट भी मिल गई थी, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तानी ट्रेन में सीट मिले ये बहुत बड़ी बात होती है। बाकी फिर मैं लाला मूसा रुक के हमने नान पकौड़े लिए थे, क्योंकि मैंने सुबह का नाश्ता नहीं था किया हुआ, यहाँ पर मैंने खाए फिर नान पकौड़े। बाकी आप लोग अब जब लाहौर पहुँच गया हूँ वहाँ से आप लोग अब देखो। तो भाव जी फिलहाल अभी मैं पहुंचूं, ठीक है। मैं आते 7 घंटे बाद तकरीबन सो गया था, ठीक है, मुझे नींद बड़ी सख्त आई हुई थी। फिलहाल अभी उठो, नमाज वगैरह पढ़ी है, बताया था जैसे कि आपको ये कज़न मेरा जेलम है, आगे पीछे तो मैं किधर जा नहीं सकता घूमने, क्योंकि उसी के साथ आगे पीछे घूमने जाता था। मुझे तो अभी यहाँ का पता को नहीं कुछ इतना खास, क्या समझे। फिर अभी छत पे हम चेक कर सकते हो, गुड्डे वगैरह यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं उड़ते, क्योंकि ये ऐसे यहाँ पे गुड्डा उड़ाओ साथ ही पुलिस वाले आके आपको उठा लेंगे। फिलहाल यार अभी ये सीन है, थोड़ी देर तक इधर बाहर निकलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। अगला दिन हो चुका, ठीक है, आप लोग चेक कर सकते हो। अभी मैं अपने पापा के साथ जा रहा हूँ बीबी पार्क दामना, वो मैंने सुना है रेनोवेट वगैरह, वैसे पहले कभी भी नहीं गया, फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ, ठीक है, पापा के साथ अपने। पापा भी मेरे यहाँ से पहली बार जा रहे हैं ना? नहीं, बहुत बार ही गया। चलो ठीक है, मैं पहली बार जा रहे हैं, तो चलते हैं यार अभी आपको ना, मैं उधर जाके रास्ते में दिखाता हूँ। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं बीबी पार्क दामना, यहाँ से आपको नजर आ रहा है ये रहा, इतने से जूम नहीं हो रहा, चेक करो। यहाँ पर मैं यार जरा देख लूँ, लेकिन बाहर रुके, यहाँ पे मैं जरा प्रोटोकॉल मिलेगा, क्योंकि पापा के दोस्त हैं, उन्होंने बोला कि इनको लेके जाओ, तो मैं जरा यहाँ पे प्रोटोकॉल भी मिलेगा। और यह फोटो देख सकते हैं बीबी पार्क दामना में, मतलब कि ये उनके नाम पे ना, मतलब पैसे खाने वाले सारे जो हैं ये इकट्ठे हुए हुए हैं, उनके नाम पे पैसे जो खाते हैं, क्या करें, फोटो तो लिखी हुई है। भाई अंदर चलते आपको दिखाते हैं, बट ये कुछ यहाँ पे एंट्रेंस है, ठीक है, बीबी पार्क दामना की दरबार की, चेक करो। ये रह के पे कर दिया भाई, अल्लाह की कसम है यार, ऐसे लोग भी होते हैं, कसम से सजदा करने लगा हुआ, शिर्क किया भाई, बेशक जितने मर्जी हो लेकिन सजदा सिवाय अल्लाह के तो किसी को नहीं लगा सकते। बाकी चेक करो, ये कुछ एंट्रेंस है, लोगों के अपने देन भाई, क्या कर सकते हैं, ये चेक करो। ओए होए बड़ा माशाल्लाह खूबसूरत है, मेरा पापा आगे जा रहे हैं, फिलहाल थोड़ी देर के लिए हम आए थे, जाने लगे हम घर वापस, चेक कर सकते हो यहाँ से कुछ ऐसा बैग से, ठीक है। पापा उधर शूज पहन रहे हैं, तो मैंने कहा जरा और थोड़ी वीडियो बना लूँ, ये चेक करो गुम्बद, चेक करो कुछ ऐसा गुम्बद। बाकी मैं थंबनेल के लिए भी जरा फोटो वगैरह ले लूँ, आपको दिखाता हूँ। अभी हम फिलहाल देख रहे हैं लेक के पास, अंकल के पास बैठे चेक कर रहे हो। पापा की निकल गया वक्त ही है, तो वो कहते हैं इधर बैठो कुछ खा पी के, हम जाना, पापा ने बताया ना कि हम सैयद हैं, तो उन्होंने फिर पूछा कि वो नाम पूछा देना, फिर पापा ने बताया हाँ जी उनका छोटा भाई है, तो फिर जरा एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल मिल रहा है, बैठे हुए अभी आपको।
वहाँ पे एक जूती जोड़ेगी ना 50 रुपए लेते हैं हम दोनों के पापा के, मेरे 100 रुपए लगने थे लेकिन हमारा वहाँ पे फुल सिक्योरिटी गार्ड मिले हैं, प्रोटोकॉल मिला है, हमें फुल पैसे वगैरह भी नहीं हमसे लिए ठीक है, ऊपर से ये फूल वगैरह ये चादर वगैरह भी हमें पहना दी है पापा मौज होगी फिर है इज्जत करते हैं ना शहीद होंगे यस। लेकिन वहाँ पे कुछ बंदे बड़े गलत होते थे, जैसे आपने देखा शुरू में वो एक बंदा सजदा करने लगा हुआ था तो पता है हाँ होना वीडियो पीछे आया कसम मेरा दिमाग नहीं है ना बंदे आज अपनी तरफ समझते ने बड़ी इसकी इज्जत कर लेकिन इन्होंने यह नहीं पता कि शिरक कर लगे हुए ने इन्हों का एंड आना है तो आग भी चाहिए इन्हें जाने क्योंकि शिरक की माफ़ी नहीं है बाकी हर गुनाह की माफ़ी है ठीक है बाकी भैया हम घर जा रहे हैं आपको मैं इंशाल्लाह का कहूँगा जरा बाद मेरे तुरा आंदा जी ना या नहीं आंदा मैं अगर तुम दसा रहा ना मैं 2 साल पढ़े हैं बाकी आपको अभी फिलहाल आ चुका हूँ मैं घर ठीक है, कल के दिन भी मैं लाहौर ही हूँ, कल भी अगर आगे पीछे मैं किधर गया तो व्लॉग बना लूंगा इंशाल्लाह। बाकी अभी फिलहाल यार थोड़ी देर में मैं लगूँ सोने में, अपना चार्जर भी यार असल में बोल रहे हैं जेलम यहाँ पे मैंने एक लीड लिया मेरा वो दूसरा था C2 आईफोन वाला है वो जरा फास्ट चार्जिंग करता है, यहाँ पे मैं लीड लिया है तो ये बड़ा स्लो चार्जिंग करता है, मुझे तकरीबन डेढ़ घंटा बैठना पड़ता है फिर जाके इधर 70% होती है। बाकी अभी बैठा हूँ थोड़ी देर में सोने लगूँ, आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।